होइमा सकी जय। यह व्रत कार्तिक लक्ष्मी की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है और वही आते भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे साय काल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर के बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या कमल पुस्तक द्वारा छपवाया गया अहोई हाथी का चित्र मंगाकर उसका पूजन करें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहती थी। उसके सात लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से उसी जगह एक सेठ की मात थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेठ के बच्चों को लग गई, जिससे सेठ का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देख के उस स्त्री को बड़ा दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री तत्पश्चात पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा तीसरा अर्थात एक वर्ष में उसके सात लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सेठ का बच्चा मर गया था। तब से एक वर्ष के भीतर भीतर सातों लड़के मर गए। यह सुनके उन स्त्रियों ने धैर्य ऋषि ने कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम इस अष्टमी को भगवती की शरण लेकर से और से के बच्चों का चित्र मंगवा के उनका पूजन किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप भूल जाएंगे और तुम्हें पहले इसकी तरह पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की किशन पक्ष को अष्टमी का व्रत किया तथा हर साल व्रत में पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो ओहि माता की जय। प्राचीन काल में शांति के समीप दरिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बड़ी सुंदर सब गुण संपन्न सती साध्वी शीलवंती चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति और पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना घर द्वार छोड़ के ईश्वर भरोसे जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्री का आश्रम के समीप शीतल कुंड पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणियों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब सात दिन व्यतीत हो गए, तब सातवें दिन आकाशवाणी हुई, तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप तुम भोग रहे हो। तो अब तुम अपने स्त्री से अहोई आते जो कार्तिक मास के किशन पक्ष में आए, उसी अहोई आते का माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आटे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उनसे प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब वह उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़ के कहा, हे माता, हमारे बच्चे सब आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जान के उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौट के अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पुत्रवान हो गए और
अहोई माता की कृपया से इस श्लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। बोलो अहोई माता की जय। पुराने जमाने में एक साहूकार था, दी का सात बेटा और उन सात बेटों की सात बहू थी और एक थी बीबी की बेटी। वे सब खदान माटी लावने ताई गई। माटी खोदने में उन सात बहुओं की नंदाल जी के हाथों स्याऊ को बच्चों मर गयो। अहिया आपरो बच्चा मारा जान के साऊ माता बोली से मेरे बच्चों मार दिया, इके बदले मैं था को खूब बांधूंगी। स्याऊ माता की बात सुवन स्वन नंदान अपनी सारी भाभियों ने कहियो कि मारे बदले आपने खूब बांध लो। जहाँ बहु छह भाभियां तो नाच गईं, पर छोटी भाभी सोची कि माँ नंदाल जी के बदले मैं कूप नहीं बनाऊंगी तो माँ की सासु जी माँ से रुस जाएगी। यह सोच के सबसे छोटी भाभी अपनी कूप बंधा ली। बी के पीछे जब बी के काम्बर होते अहोई आठो साते ने मर जाते। एक दिन बी से पंडित बुलाया कि बी से बुझो कि काय बात है, माँ के जो टाम्बर हो गए तो अहोई आसाते ने मर जावे। बी की बात ने सुना के पंडित बोलिया कि स्याऊ माता कने था की खूब बंधाई है, जब साऊ माता था की खूब छोड़ देगी था को सांबर जीवे। सुत्री सुरी गाई माता को भाई ली छे, सो तू सुरी गाओ की सेवा करियो ताकि खूब छुड़ा देगी ताकि कामना पूर्ण होगी, तभी ताके सांबर दीर गायी हो। ब्राह्मण के बताए अनुसार खूब खूब सुदिया सुदिया उठकर सुरी गाऊ माता का सारा काम काज निमटा जाती। सुरी गऊ माता सोचियो कुणु हमारी अतिरिक्त सेवा करे और बहुत तो जिंदानी काम करते रोज लबड़ा करे है, आज देखियो कुणासी हमारी सेवा करे है। जद गौ माता खूब सुनियो देखियो कि साहूकार के बेटे की छोटी बहू सेवा करा के आवे है, माँ के सारा काम कर जावे। जना गौ माता बोली थे मारा इतना काम करे है तो बता तेरी क्या इच्छा है। माँ सासू बहुत रजी हूँ तो आज मांगो तो मांग ले। जब साहूकार के बेटे की बहू बोली किसे कुछ है तो माँ ने वचन दे दे तो मैं मांगू। जना गौ माता बोली मैं ताने सत्य वचन दियो। जदा वह छोटी बहू बोली कि साहू माता था कि भावली छे और साहू माता कने मारी कूप बंधाई है तो मारी कूप छुड़ाती हो। जना बिके बात सुना के गौ विष से सात समुद्रा पार आपकी भाईली कड़ा ले चली। तो रास्ते में घड़ी कड़ी प्यास देख के वे एक रुकड़ा के नीचे बैठेंगी। तो जरा वे बैठी बैठी देखे साफ आयो वृक्ष पे एक गरुड़ पाकड़ी के बच्चे ने खाने लगे तो उस साहूकार के बेटे की बहू ने वो सांप मार के गरुड़ पाकड़ी के बच्चे की रक्षा करके जिनके प्राण बचा दिए। जना गरुड़ पाकड़ी आई तो साहूकार को साहूकार ने के चोंच मारने लगी। साहूकार ने बोली कि माँ था बच्चे को नहीं मारिया, जना बच्चे ने सांप डसने लगे तो माँ ने सांप मार के सारा बच्चा बचाया। जहाँ गरुड़ पाकड़ी बोली से मारा बच्चा ने बताया तो माँ की मांग। जना मैं बोली सात समुद्रा पार ताकि भाई जी साऊ माता हवे तो तू माने बी के पास पहुंचा दे। जना गुरु पापरी उन दोनों ने अपने के सर बिठा के साऊ माता कने पहुंचा दी। उन दोनों ने अना चढ़ा के साऊ माता बोली आओ भाणा। बड़े दिनों में आई फिर गौ माता से बोली मारे सिर में तो बहुत सी जू पड़ी है। गौ माता बोली मेरे संगे सिटानी आई है बी से कड़ा ले। जना वह साहूकार की बहू बी के सगली जू काट दी। साऊ माता तू मेरी बहुत सलाई करी है तो था के साथ बेटे साथ बहू हुई। जना बा साहूकार के बेटे की बहू बोली माँ के तो एक भी बेटा को नहीं फिर सात बेटे कू से हो गए। जब साऊ माता बोली क्यों कहीं क्यों ना हो गए। जब वह बोली पहले मानू बचन दे ते अपनी बात सुनावा। जना साऊ माता बोली बचा तो बचा बचा ऊं तो धोबू कुंड की काकरी हो गए। जना साहूकार के बेटे की बहू बोली मारी कूक तो थारे करे बंदियों पड़ी से फिर कई साथ बेटा हो से। जद से बोली तू तो मने बहुत ठगी इससे मैं तेरी कूक खोल के खोली पर अब खोलनी पड़ी सी। जब थारे साथ घरा साथ बेटा साथ बहू थाने बेटा पावंगे इब से सांगने उजमन करियो साथ हो ही मने साथ कड़ाई करियो। जहाँ साऊ माता की वाणी सुन साहूकारनी आपने घर आ गई तो उन्हें सात बेटा सात बहू बैठा पाई बहुत धन्य हो रहे हो। जना वह साथ कोई दीवाल के कोई मटका के कोई कटे साथ उजमन करा साथ रसोई करा
सब जेठानियां बोली कि बेगी बेगी चौका पूरी कर लो, नहीं तो सरदोई रोन लागी। जना थोड़ी देर ताई सदरोई के रोन की आवाज क्यों ना आई ते वे सब आपने बेटे ने भेजी और कहियो कि चाओ से देख कर आओ कि सदोई आज कहियां कोणा रोई। जना वे देख के आली तो बोलियो कि माँ चाची तो कई होई मांडरी छे उजमन हो रहे से, जा जिठानी भागी भागी देखन ने गई तो देखे कि सदरोई कूक छुड़ा लाई। जद वे सब जिठानियां बोली थी कहियां कूक छुड़ाई, जद वे बोली थी मैं कूक बंदाई कोणी, मैं टाबर जुसू में जने कूक सा तू कूक बदाली, पर स्याऊ माता अपनी मेहर करके मानू कूक छुड़ा दी। मैं तो कहूँ से स्याऊ माता जी हमारी कूक खोली मैंने, माँ को उपकार करी उससे ऐसा सबकी कूक खोल के सबका उपकार कर कहते हुए शूरता की हुंकारा बरताए अपना सारा परिवार की कूक खोलिए बोलो ओहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार के सात लड़की और सात बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ में लेके जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जब वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं चाऊ माता की मांग थी, मिट्टी खोदते समय सेहल का बच्चा मर गया। चाऊ माता ने कहा तूने मेरा बच्चा मार के मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी को बांधूंगी। तब वे नंद अपने सात भाभियों से बोली कि तुम से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधाओ। छह भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, और विचार से उसने अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधा दी। इससे जब उसका लड़का हुआ तो वे सातवें दिन मर गया। इस प्रकार उसके सात लड़की भी और मर गए। जब एक दिन उसने जोशी को बुलवा के पूछा महाराज जाने क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वे सातवें दिन मर जाती है, इसका तो क्या कारण है। तब पंडित जी बोले देवी तुमने सजे गाँव की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी सरव गौ माता की भाईली है, वे तेरी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से ही वह बहू नित्य प्रति प्रातः काल उसके चुपचाप सभी गाँव के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देख के साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बड़ी प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि सेऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तो आप कृपया करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस सुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले सात समुद्र पार अपनी भाई जी के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पे गरुड़ पाखने ने बच्चे दे रखे थे, वह सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार डालकर ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पाखने आई तो वहां खून पड़ा देख के साहूकार के बच्चों को बहू को चोट मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सांप को मार से रक्षा की और तू मेरी ही दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बातें सुनकर गरुड़ पाखनी प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए इसलिए बोल क्या मांगती है। वह बोली हम सात समुद्र प्यार साहू माता के पास बचा दे। तब गरुड़ पाखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठा के लंबी उड़ान भर के उन्हें सात समुद्र पार साहु माता के पास बचा दिया। साहु माता अपनी भाईली गौ माता को देख के बड़ी प्रसन्न हुए, बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सर में तो बहुत जू पड़ गई है। तब सरू गाय बोली कि मेरे साथ मेरी भुगतनी आई है, वह तेरी सारी जुए निकाल देगी। आगे पाते ही साहूकार ने स्याऊ माता की सिम सिम के सब जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मेरी बहुत आराम दिया इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो आज जो चाहे तो मांग ली मैं तुझे दे दूंगी। तब साहूकार ने बोली कि वचन दे तो मांगू। साहु माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से करूँ तो दो भी कुंड की कपरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तुम्हारे पास बंधी पड़ी है तो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनके स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कूक कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। चाह तेरे घर सात लड़के उन सात सातों के साथ बहुए मिल जाएंगे, तू घर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, सात अहोई बना के साथ कढ़ाई कर दीजियो। यह सुन के जब वह लौट कर घर पहुंची तो वहां सात बेटे सातों की बहुएं घर बैठे मिले। यह देख के वह बड़ी खुश हुई। तब उसने सात अहोई बना के और सात उजमन किए और तथा साथ ही कढ़ाई करी।
दिवाली के दिन जिन जिठानिया कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपना चौका पूजा कर लो अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगी कि थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा चाची के घर जाके देख के आओ कि आज अभी तक मैं रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा चाची अहोई बना रही है और वह तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जिठानी दौड़ के उसके घर गई और जाकर देखा कि तूने अपने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली मैंने तो अपने कोख बांधने तुमने तो अपने कोख बांधने से इनकार कर दिया था पर मैंने अपनी छोटी नंद का ख्याल करके अपनी कोख बंधाई थी। अब सब माता ने मुझ पे कृपया करके मेरी कोख छोड़ दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली और उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सत्यव माता जिसे सुनने वाले तथा इंकारे भरने वालों के सभी प्रकार की नारियों की कोख खोल देना। यह सब हम तुमसे विनती करते हैं। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता की जय। अब हम पूज परियों की क्या पूज दे खाना बनाया है। खा लो। हेलो, आराम कर लिया मुझे। नीचे के दे देना, नीचे से ले लेना। ये उसमें भर देते हैं तो कचरा दान मुझ पर तो अंदर।